हेलो दोस्तों, जो आप देख रहे हैं ये है बुलंद दरवाज़ा। जी हाँ दोस्तों, भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक यह दर्शनीय स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने 1602 ईस्वी में करवाया था। बुलंद शब्द का अर्थ है महान या ऊंचा। अपने नाम को सार्थक करने वाला यह स्मारक विश्व का सबसे ऊँचा प्रवेश द्वार है। हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के कारण इसे भव्यता के द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये है बुलंद दरवाज़ा, विश्व का सबसे ऊंचा दरवाज़ा। तो दोस्तों, इससे अंदर की जानकारी आपको देते हैं। अब पूरी हिस्ट्री के अनुसार अकबर द्वारा गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में बनवाए गए इस प्रवेश द्वार के पूर्वी तोरण पर फारसी में शिलालेख अंकित है, जो 1602 ईस्वी में दक्कन पर अकबर की विजय के अभिलेख हैं। बयालीस सीढ़ियों के ऊपर स्थित बुलंद दरवाजा 53.63 मीटर ऊंचा है और 35 मीटर चौड़ा है। यह लाल बलुआ पत्थर से बना है, जिसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। दरवाजे के आगे और स्तंभों पर कुरान की आयतें खुदी हुई है। यह दरवाज़ा एक बड़े आंगन और जामा मस्जिद की ओर खुलता है। सम अष्टकोणीय आकार वाला यह दरवाज़ा गुंबदों और मीनारों से सजा हुआ है। दरवाजे के तोरण पर ईसा मसीह से संबंधित कुछ पंक्तियाँ लिखी है, जो इस प्रकार है। मरियम के पुत्र यीशु ने कहा, यह संसार एक पुल के समान है और इस पर से गुजरो अवश्य, लेकिन इस पर अपना घर मत बना लो। जो एक दिन की आशा रखता है वह चिरकाल तक आशा रख सकता है, जबकि यह संसार घंटे भर के लिए टिक सकता है। इसलिए अपना समय प्रार्थना में बिताओ, क्योंकि उसके सिवा सब कुछ अदृश्य है। बुलंद दरवाजे पर बाइबल की इन पंक्तियों की उपस्थिति को अकबर को धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, आपको कुछ अन्य जानकारी देना चाहते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के फतेहपुर सीकरी में यह आगरा में स्थित है बुलंद दरवाजा। नई दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पर्यटन का उपयुक्त समय है, पूरे साल भर यह खुला रहता है। अब दोस्तों, इसके अंदर चलते हैं तो ये है आगरा की जामा मस्जिद। जी हाँ दोस्तों, यह एक विशाल मस्जिद है जो शाहजहाँ की पुत्री शाहजादी जहाँ आरा बेगम को समर्पित है। इसका निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा बेगम ने कराई थी।
जो यह अपने मीनार रहित ढांचे साथ ही विशेष प्रकार के गुम्बद के लिए जानी जाती है। जामा मस्जिद का निर्माण 1571 में अकबर के शासनकाल के दौरान हुआ था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण इसी मस्जिद के आसपास हुआ था, इसलिए मस्जिद के महत्व का पता चलता है। मस्जिद का बरामदा बहुत ही बड़ा है और इसके दोनों ओर जम्मत खाना हॉल और जनाना रोजा है। जामा मस्जिद से सूफी शेख सलीम चिश्ती की मज़ार पर नज़र पड़ती है, जो कलाकारी का अद्भुत नमूना है। पूरी जामा मस्जिद खूबसूरत नक्काशी और रंगीन टाइलों से सजी हुई है। बुलंद दरवाजे से होते हुए जामा मस्जिद तक पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा यहां बादशाही दरवाज़ा भी है, इसकी खूबसूरती भी देखते ही बनती है। तो दोस्तों, जो आपने आंगन के बीच में सफ़ेद संगमरमर से एक मज़ार बनी हुई है, ये मज़ार सूफी शेख सलीम चिश्ती की मज़ार है, जो कि बहुत ही सुंदर है और इसमें बहुत लोग मन्नतें मांगने आते हैं। तो दोस्तों, इसकी सुंदरता इतनी भव्य है कि अगर आप इसको देखने जाते हो फतेहपुर सीकरी में, तो आपको एक अलग ही नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो बुलंद दरवाज़ा है, इससे आसपास का पूरा व्यू आपको देखने को मिलेगा, इससे पूरा शहर देखा जा सकता है। आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर पर्यटकों की अच्छी खासी संख्या आपको हमेशा देखने को मिलेगी। इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि इसका नज़ारा बहुत ही सुंदर है और भव्य है। तो दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार हमने आपको जानकारी दे दी है, साथ ही इसकी सुंदरता का तो हम जितना भी वर्णन करें उतना ही कम है, क्योंकि अगर आप इसको रियल में देखने जाते हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो तुरंत आप भी जाए इसको देखने के लिए फतेहपुर सीकरी में। आगरा जिले के अंदर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर पड़ती है, और आप जाएँ और वहाँ पर फतेहपुर सीकरी का किला भी है, जो भी आप देख सकते हैं।